माई एकेडमी टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी की जिसकी वजह से बप्पी लहरी की मौत हो गई। मैं बात कर रहा हूं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। आज का प्रश्न है, जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है उसी तरीके से बंगाल राज्य का आखिर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, इसका जवाब वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की और इससे बात करने से पहले हम समझते हैं कि आखिर स्लीप एपनिया होता क्या है। तो दोस्तों कई बार हम में से ज्यादातर लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि हम सभी कभी चौंक कर उठ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई डरावना सपना देखा है, जैसे कुछ सेकंड के लिए शरीर जकड़ गया हो और सांसें भी नहीं ले पा रहे हो। दोस्तों ऐसी अवस्था का अनुभव स्लीप एपनिया बीमारी में भी होता है। सरल भाषा में बात करूं तो सोने के दौरान सांस का कुछ समय तक बाधित हो जाना स्लीप एपनिया बीमारी कहलाता है। दोस्तों ये न्यूनतम 10 सेकंड तक ऐसा हो सकता है और बीमारी होने पर 5 से लेकर 100 बार एक ही रात में इसका रिपीटिशन भी हो सकता है। सबसे गंभीर बात यह है कि जो व्यक्ति इस बीमारी से गुजरता है उसका स्वयं इस बीमारी का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस समय यह समस्या है उस समय वह सो रहा होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आखिर होता क्या है। इसको समझने के लिए हम इस चित्र को पहले देखते हैं। दोस्तों ये जैसा कि हम देख सकते हैं कि सांस नाक और मुंह से लिया जा सकता है और ये अंदर जा रहा है। सामान्य परिस्थिति में ऐसा ही होता है इस चित्र में आप देख सकते हैं, बट जब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी होती है तो दोस्तों ये देखिए, ये जो विंड पाइप है जिससे सांस आगे लंग्स तक जा रहा है, ये कई कारणों से यहां पर ये देखिए इसका बढ़ जाना, ये जो भी पार्ट बॉडी पार्ट है इनके बढ़ जाने की वजह से, और इसके अलावा बहुत सारे कारक हो सकते हैं जिसके हम आगे वीडियो में बात करेंगे। कई सारे कारकों से जब ये विंड पाइप सक्रिय हो जाती है, इसका रास्ता पतला हो जाता है, तो ऐसी अवस्था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहलाती है। यहां पर जो अपर एयर वे है वो ब्लॉक होने लग जाता है। इसकी वजह से जो बॉडी मसल्स हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको खोलने के लिए, जिससे कि हवा लगातार ऑक्सीजन जो है वो अंदर बॉडी के जा सके। दोस्तों धीमे धीमे क्या होता है कि ये कई बार काफी सकरा हो जाता है और एक्सट्रीम कंडीशन पर सांस पहुंच ही नहीं पाता और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बप्पी लहरी के केस में ऐसा ही हुआ। दोस्तों हम समझते हैं आखिर इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में। तो एंजाइटी या घबराहट, डिप्रेशन, एरिदमिया या इरेगुलर हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, डायबिटीज, नपुंसकता, मोटापा, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्ट्रोक और ब्रेन फॉग, ये सब इस बीमारी के सिम्टम हो सकते हैं। दोस्तों मैं इन सब चीजों का जिक्र किया, स्वयं में भी एक बीमारी है, पर इन बीमारी की जड़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से भी जोड़ी जा सकती हैं। आगे हम कुछ अन्य सिम्टम और कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो खर्राटों का काफी तेज हो जाना, सामान्य से भी ज्यादा तेज हो जाना, कई बार सोने के दौरान में हवा का सोने में जैसे कि हवा की कमी हो गई हो तो व्यक्ति परेशान होकर हवा लेने का प्रयास करने लग जाए। इसके साथ ही साथ में जब नींद खुलती है तो ऐसे में मुंह का सूखना, दोस्तों ये लगातार यदि होता रहे, सुबह का सरदर्द होना, लगातार सोए रहने इसमें समस्याएं होना जिसकी वजह से सुबह उठने पर काफी ज्यादा सुस्ती का होना, नींद का आना, नींद लगे रहना पर नींद पूरी नहीं हो पाती है, और एकाग्रता में कमी हो जाना, झुंझलाहट का बहुत ज्यादा हो जाना, साथ ही साथ में कई मेडिकल और सर्जरी के माध्यम से ये बीमारी में और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताते हुए चलना चाहता हूँ कि सर्जरी सामान्य जब भी होती है तो व्यक्ति को सीधा लेटना होता है, और जब भी सीधी पोजीशन पर यह बीमारी और बढ़ती है वनस्पत जब करवट लेटा जाए, पाचन में समस्या और अन्य लीवर प्रॉब्लम इस बीमारी से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ में आपके साथ जो भी व्यक्ति सो रहा होता है उसको भी सोने में समस्या हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति को ये समस्या जी ये बीमारी होती है उसकी नींद पूरी नहीं होती, वो बार बार हिलता डुलता रहता है जिसकी वजह से साथ में सोया हुआ व्यक्ति की भी नींद नहीं पूरी हो पाती है। अगर हम कुछ कॉजेस, कुछ कारकों की बात करें तो सबसे प्रमुख कारक में मोटापा होता है। इसके अलावा अन्य कारकों की बात करें तो जबान का बढ़ जाना,
पीछे टॉन्सिल उसमें भी बढ़ जाती है, कई बार जो जो नाक होती जो नासिका होती उसमें बाधा, उसका जो द्वार होता है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाना, जो अंदर जो मोम होता है नाक के वो असामान्य उसका कड़ा हो जाना और उसका बढ़ जाना, साथ ही साथ में टॉन्सिल काफी जब बढ़ जाती है, इसके साथ में जो अपर एयर वे होता है इसके ट्यूमर इत्यादि, इसके अलावा भी कई और कारक हो सकते हैं जिससे कि ये बीमारी हो सकती है। अगर हम इस बीमारी से जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि कैसे लोगों में ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती अथवा जिनमें ये बीमारी पहले से है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसमें ये और गंभीर रूप ले सकती है। तो मोटापा में जब गर्दन काफी गोल हो जाती है, गर्दन पर काफी चर्बी चढ़ जाती है, तब उससे क्या होता है कि जो अंदर की जो नली होती है उस पर काफी दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये काफी रिस्क फैक्टर हो जाता है। साथ ही साथ में आदमियों में औरतों के मुकाबले ये बीमारी होने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती हैं। उम्र के बढ़ने के साथ में फैमिली हिस्ट्री, इसके साथ में शराब या और भी कोई भी जो दवाओं, सोने वाली दवाओं का प्रयोग करना, इसकी वजह से मसल्स में थोड़े से रिलैक्स हो जाता है और जो डक्टिल होता है, जो जहां से हवा अंदर जाती है सांस जाती है, वो और सकरा होने लग जाता है, वहां पे भी ये रिस्क फैक्टर होता है। साथ में धूम्रपान, नासिका द्वार में कंजेशन और कई मेडिकल कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस बीमारी को बढ़ने के लिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे सामान्य और आम ट्रीटमेंट के रूप में जीवन शैली में परिवर्तन, जिससे कि मोटापा में कमी आती है, इसमें योग इत्यादि काफी प्रमुख कारक हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी भी इस बीमारी को कम करने और निजात दिलाने में लाभकारी होती है। और इमीडिएट रिलीफ की अगर बात की जाए तो कंटिन्यूअस, ये दोस्तों देखिए चित्र में ये देख सकते हैं जो मशीन है, इसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बना रहता है, जिससे कि हवा लगातार लंग्स तक पहुंचती रहती है। दोस्तों शुरू में वीडियो में जो मैंने प्रश्न किया था उसका सही जवाब है बंग विभूषण। इस प्रश्न को आज करने की वजह यह थी कि बप्पी लहरी को अपने ट्विटर से श्रद्धांजलि देते समय बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पुरस्कार का जिक्र किया था। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।